हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ पोको M2 डिवाइस के बारे में और इसके MIUI 12.5 के इनेस एडिशन के अपडेट के बारे में। आपको आने वाले कुछ ही दिन के अंदर MIUI 12.5 का इनेस एडिशन का जो अपडेट है जो कि यहाँ पर देखने को मिलने वाला है, या फिर आप लोग कह सकते हो एक न्यू सिक्योरिटी पेंसिल का जो अपडेट है जो कि यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। सो आज की इस वीडियो में इसी अपडेट के बारे में मैं आप लोगों से यहाँ पर बात करने वाला हूँ कि अपडेट है वो यहाँ पर कौन सी डेट को रिलीज होगा, अपडेट की टोटल साइज है वो यहाँ पर कितनी देखने को मिलेगी, अपडेट के अंदर आपको फीचर है वो यहाँ पर कौन कौन से देखने को मिलेंगे। सो अगर आप लोग पोको M2 डिवाइस यहाँ पर यूज करते हैं सो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को कहीं से भी स्किप मत करना। और गाइस अगर आप लोगों ने वीडियो को अभी तक यहाँ पर लाइक नहीं किया है सो अभी वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो का लाइक टारगेट है वो मैं यहाँ पर रखता हूँ ओनली 200 लाइक, देखते हैं आप लोग कितना जल्दी इसको यहाँ पर कम्प्लीट कर पाते हो। और दोस्तों अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक यहाँ पर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जैसे अपडेट यहाँ पर रिलीज होगा उसके रिगार्डिंग आपको वीडियो है वो सबसे पहले यहीं पे देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों मैं आप लोगों से बात करूं पोको M2 डिवाइस के बारे में और इसके लिए नया सॉफ्टवेयर अपडेट है वो यहाँ पर कौन सी डेट को मिलेगा, 8 डे का इश्यू और भी आपको काफी सारे इश्यू है वो यहाँ पर फेस करने को मिले होंगे। सो गाइस मैं तो आपको यही करना चाहूंगा, आप लोगों को यहाँ पर अपडेट है वो 20 नवंबर के आसपास यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आप लोगों को यहाँ पर पता ही होगा पोको M2 जो डिवाइस है इसके लिए एक अपडेट पॉलिसी है कि कोई भी अपडेट यहाँ पर रिलीज होता है उसके 90 डेज के बाद में आप लोगों को यहाँ पर न्यू सिक्योरिटी पेंसिल का अपडेट या फिर एक बड़ा मैसिव अपडेट है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। और आपको MIUI 12.5 प्लस एंड्रॉइड 11 का जो अपडेट है वो पोको M2 जो डिवाइस है उसके अंदर यहाँ पर देखने को मिला था 19 अगस्त को। और अगर आप लोग 90 डेज है वो यहाँ पर एड करते हो सो 19 नवंबर को आप लोगों को यहाँ पर अपडेट है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सो जो कि यहाँ पर कुछ दिन बाकी है आप लोगों को यहाँ पर वेट कर लेना है। और अभी से मैं आपको बता देता हूँ कि अपडेट है वो पहले यहाँ पर जो पब्लिक यूजर है उनके लिए रिलीज नहीं होगा, पायलट यूजर है उनके लिए अपडेट यहाँ पर रिलीज होगा। और अगर आप लोग पायलट यूजर है सो चैनल के साथ में जरूर से यहाँ पर एक्टिव रहना, और टेलीग्राम का जो चैनल है वहाँ पर भी आप लोग यहाँ पर एक्टिव रह सकते हो, क्योंकि अपडेट है वो आपको यहाँ पर ओनली 1 आवर के लिए यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद में अपडेट है वो फिर से यहाँ पर रोल बैक हो जाएगा और उसके बाद में आपको अपडेट है वो 1 वीक के बाद में यहाँ पर देखने को मिलेगा। सो अगर आप लोग यहाँ पर फर्स्ट बारी में अपडेट करना चाहते हो सो टेलीग्राम चैनल है उसको यहाँ पर ज्वाइन कर लेना, उसका जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों मैं आप लोगों से बात करूँ क्या ये MIUI 12.5 का इनेस एडिशन अपडेट या फिर एक नॉर्मल सा सिक्योरिटी पेंसिल का जो अपडेट है वो यहाँ पर होने वाला है। सो गाइज ये सारा यहाँ पर पोको पे डिपेंड करता है क्या ये MIUI 12.5 का इनेस एडिशन अपडेट है जो कि यहाँ पर आने वाला है या फिर एक नॉर्मल सा सिक्योरिटी पेंसिल का जो अपडेट है जो कि यहाँ पर आने वाला है। लेकिन मुझे यही लगता है कि आप लोगों को MIUI 12.5 का इनेस एडिशन जो अपडेट है वो यहाँ पर देखने को मिलने वाला है, क्योंकि ग्लोबल में जो Redmi 9 जो डिवाइस है उसके लिए MIUI 12.5 का इनेस एडिशन जो अपडेट है जो कि यहाँ पर फुल्ली रोल आउट करा दिया गया। और आप लोगों को पता ही होगा ग्लोबल में जो Redmi 9 जो डिवाइस है वही डिवाइस आपको इंडिया में Redmi 9 Prime के नेम से यहाँ पर देखने को मिलता है, और Redmi 9 Prime और Poco M2 जो डिवाइस है वो आपको डिटो यहाँ पर सेम देखने को मिलते हैं। सो आपको यहाँ पर अपडेट है वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है MIUI 12.5 इनेस एडिशन अपडेट। अब अपडेट की साइज है वो आपको कितनी यहाँ पर देखने को मिल सकती है, सो 500 MB से ऊपर ही आप लोगों की अपडेट साइज है वो यहाँ पर होने वाली है। और अपडेट के अंदर वैसे ज्यादा फीचर है वो तो यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन एक सबसे जरूरी फीचर है मेमोरी एक्सटेंशन। इसकी मदद से आप लोग अपने डिवाइस की जो रैम है वो यहाँ पर 1 GB या फिर 2 GB है उसको यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हो। सो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर, और सबसे पहले आप लोगों को न्यूज है वो वहीं पे देखने को मिल जाएगी। सो उसको ज्वाइन कर लेना, उसका जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और गाइज अगर आप लोगों ने वीडियो को अभी तक भी लाइक नहीं किया है सो अभी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।